गुंडई के लिए बदनाम गोंडा की तस्वीर। योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान बदल रहा है। मिशन शक्ति ने महिलाओं के अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास भरने का काम किया है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी की है। सोमवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस लाइन ग्राउंड में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ देवीपाटन मंडल के DIG डॉक्टर राकेश सिंह और पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। SP की तरफ से आयोजित किए गए बेटी और महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नाटक और सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम की प्रस्तुति कर लोगों को जागरूक किया। DIG और SP ने जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सिलाई मशीन का वितरण भी किया। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला सिपाहियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं और बेटियों को जागरूक करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बेटियों को सेल्फ डिफेंस के साथ ही सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया गया। बेटियों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। गोंडा से संवाददाता दिनेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें जागरूकता के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। उसी के अंतर्गत आज पुलिस लाइन ग्राउंड में एक सेवा NGO और गोंडा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करते हुए गीत, भाषण, डांस, सेल्फ डिफेंस और क्विज कॉम्पिटिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिक उद्देश्य इसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बच्चियां इस अभियान को लेकर जागरूक हों और इसके जो सभी कंपोनेंट हैं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इनके बारे में उनको व्यापक हम लोग जानकारी दे सकें तथा कम्युनिटी की सहभागिता हम इस कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित करा सकें। उसकी एक पहल भी है कि जैसा कि आपने देखा कि एक NGO एक सेवा जो यहाँ पे विभिन्न आयामों पे कार्य कर रहा है वो भी हमारे साथ जुड़ के इस मिशन शक्ति अभियान के तहत ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसमें जागरूकता पैदा करें और साथ ही साथ जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनके विरुद्ध भी हम लगातार कार्रवाई करते रहें और आप लोग डेली रिपोर्ट्स के माध्यम से आप लोग भी प्रकाशित कर रहे हैं जो डेलिक्वेंट्स हैं उन पे जो कार्रवाई हो रही है वो आप लोगों के माध्यम से भी प्रसारित हो रहा है और आप लोगों का भी रेगुलर सहयोग इसमें मिल रहा है जहां हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते। सर, ये ऑपरेशन चक्र शुरू होने वाला था दीपावली से, उसमें क्या कार्यक्रम होगा? अभी मिशन शक्ति का है।